दोस्तों ये चाइना होंडा वाटर पंप सेट है जिसे हम WPK 30 बोला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं चाइना होंडा वाटर पंप सेट जिसे कि हम पेट्रोल के जरिए से स्टार्ट करते हैं और किरासन तेल के जरिए से हम चलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इंजन है ये पेट्रोल के जरिए से सिर्फ स्टार्ट होता है और पेट्रोल के जरिए से ही चलता है। डायरेक्ट हम पेट्रोल डालकर इस टंकी में इस इंजन को चला सकते हैं। पहले जो इंजन आती थी या फिर अब भी आ रही है जिसमें कि दो सिस्टम दिया हुआ होता है, पेट्रोल और किरासन ऑयल का, जिससे कि पेट्रोल के जरिए से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डालकर और किरासन तेल के जरिए से हम चलाते रहते हैं। तो यह इंजन जो है फाइनली डायरेक्ट पेट्रोल के साथ स्टार्ट होता है और पेट्रोल के साथ चलता ही है। हालांकि दोनों इंजन जो है बराबर है, दोनों इंजन पेट्रोल ही होता है, दोनों सेम इंजन है, इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ टंकी में बदलाव किया गया है, वो भी पेट्रोल इंजन है पहले वाला, जिसमें कि दोनों सिस्टम होता है किरासन पेट्रोल का, और ये भी पेट्रोल इंजन है जो कि सिर्फ इसमें पेट्रोल का सिस्टम दिया गया है। तो आप उस इंजन को भी पेट्रोल के साथ डायरेक्ट चला सकते हैं और इस इंजन को भी पेट्रोल के साथ डायरेक्ट चला सकते हैं। दोनों इंजन सेम है, इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बस टंकी का अंतर है। जी दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस इंजन का कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो यानी कि पेट्रोल या फिर किरासन तेल नीचे से गिरने लगे चाबी ऑन रखने पर, चलते हुए कार्बोरेटर से नीचे से जो है किरासन तेल या फिर पेट्रोल गिरने लगे तो उसको सही कैसे करना है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर से पेट्रोल ओवर होता है, नीचे से पेट्रोल गिरने लगता है तो ओवरफ्लो को दूर हम लोग करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी वो सिस्टम होता है। इसमें भी सेम कार्बोरेटर है, 4-स्ट्रोक इंजन वाला, तो इसका भी जो है कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो रहा है, पेट्रोल नीचे से गिर रहा है। तो मैं आगे दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कार्बोरेटर में ऐसे क्या दिक्कत आ गई है, क्या कंप्लेंट बन गई है जो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता रहता है। तो फाइनली ये जो इंजन है, ये दोस्तों इंजन बाहर से आया हुआ है हमारे पास, ये देख सकते हैं ये कार्बोरेटर है इसका, ये बिल्कुल सेम मोटरसाइकिल की तरह ही कार्बोरेटर होता है, बस थोड़ा सा सिस्टम इसका मतलब जो मॉडल है अलग है, बाकी काम वैसा ही करता है इसका भी, 4-स्ट्रोक कार्बोरेटर हुआ ये। तो यहाँ से जो है मतलब पहले जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए दिया होता है मतलब पेट्रोल का, वो चीज़ नहीं है, डायरेक्ट इसमें दे दिया गया है। टंकी में कोई भी फ्यूल कॉक नहीं है, डायरेक्ट इस कार्बोरेटर में पाइप दे दिया गया है। तो मैं इस ढक्कन को खोलता हूँ, मैं और आपको दिखाता हूँ कि इसका अंदर में कनेक्शन क्या दिया हुआ, क्या किया हुआ है। पेट्रोल जो ओवर होता है वो फ्लूड पिन के ज़रिए से होता है, फ्लूड वाल के ज़रिए से होता है, जिसे हम गेट वाल भी बोलते हैं। तो गाइस ये है फ्लूड पिन, फ्लूड वाल, गेट वाल जिसे हम बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई कचरा आ जाता है या फिर यहाँ पे जो रबड़ लगा हुआ है फ्लूड पिन में, अगर ये रबड़ कट जाती है तो इसके ज़रिए से पेट्रोल ओवर होने लगता है। इसका काम है पेट्रोल नीचे गिरा कर कार्बोरेटर के ढक्कन तक भर के रखना, हमेशा गिराते रहना, और जब इंजन को चलाएंगे तो कुछ पेट्रोल जलता रहेगा और फिर इसके ज़रिए से पेट्रोल गिरता जाएगा, और फिर जब इंजन को हम बंद कर देंगे तो जितना पेट्रोल गिरना होता है ढक्कन में भरना होता है वो भर के फिर जो है ये पेट्रोल को गिराना बंद कर देता है, ये काम होता है। तो फाइनली कोई कचरा अगर आ जाता है कार्बोरेटर में जहाँ पे वो फ्लूड बल्ब लगा होता है, कोई कचरा आ गया तो उसके वजह से भी जो है पेट्रोल को रोक नहीं पाता है और वो हमेशा गिरते रहता है, फिर साइड से लीक करने लगता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये फ्लूड बल्ब लगा हुआ होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो भी फ़िलहाल कोई कचरा वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे वॉश करने का, एयर कंप्रेसर मारूंगा इसके अंदर। हालांकि मैकेनिक बोल रहा है जिसने मेरे पास ये मशीन लेकर आया है, उन्होंने कहा कि मैंने कार्बोरेटर साफ़ किया है लेकिन इसमें कोई एयर वगैरह नहीं मारा है उन्होंने। अगर ये रबड़ कट जाती है तो फिर यहाँ से जो है लीक करने लगता है, पेट्रोल को रोक नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है, ये सब ठीक ठाक है। तो मैं कार्बोरेटर इसका क्लीन करता हूँ और आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि पेट्रोल ओवर होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं ये भी देख रहा ना कि टंकी के अंदर कोई पानी कचरा वगैरह तो नहीं है, तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ थोड़ी बहुत बारीक बारीक हल्का कचरा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है क्योंकि इसके अंदर जो है फ़िल्टर भी लगा हुआ है, फ़िल्टर के ज़रिए से पेट्रोल नीचे गिरता है, ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मैंने कार्बोरेटर को मोटरसाइकिल से कनेक्ट किया है, मोटरसाइकिल के पेट्रोल पाइप से मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं से क्यों ना कनेक्शन कर लूं और इसका ओवरफ्लो चेक करूं। तो मैं आपको ओवरफ्लो चेक करके दिखा रहा हूं। यहां से चाबी को हमें ऑन रखना होता है, आगे की ओर अगर हम चाबी रखेंगे तो ऑन रहेगी, पीछे की ओर करेंगे तो ऑफ रहेगी। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल जो है अब गिरने लगा है, यहाँ से पेट्रोल अब चूने लगा है,
यानी कि ओवर होने लगा है पेट्रोल, यही हम ओवर बोलते हैं, यानी कि ये गिरना नहीं चाहिए। अगर कटोरी भर गया है तो यहाँ से पेट्रोल नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूड बल्ब में जो है कुछ ना कुछ कचरा वगैरह आता है, उसके जरिए से पेट्रोल को रोक नहीं पाता है, जो हमेशा गिरता ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद देखते हैं कि ये ठीक होती है या नहीं। यहाँ पे एक पिन होगा, इसे बाहर निकालना है, फ्लूड वाल्व और डिब्बी को बाहर निकालना है और मुझे देखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर दिखाई दे रहा है, एक रबड़ जैसा मेरे ख्याल से लग रहा है, या फिर कोई कोई तिनका वगैरह मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर। दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक रबड़ का टुकड़ा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पेट्रोल पाइप का ये रबड़ है। जैसे होता है ना कि बार बार पेट्रोल पाइप हमेशा खोलना ढुकाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा टुकड़ा उसका कट के अंदर की ओर चली जाती है। चलो मैं थोड़ा हवा मारता हूँ इसके अंदर और इसे क्लीन करके फिर चेक करता हूँ। जितना भी सुराख है सभी सुराख में हमें हवा मारना है, ये बेहतर होता है। अगर हम फूंक के जरिए से, मुंह के ज़रिए से हम फूकेंगे तो इस तरीके से किसी भी कचरा को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए हमें हम मैकेनिक को इस तरह की एयर की सुविधा चाहिए ही चाहिए। तो गाइस मैंने कार्बोरेटर को क्लीन कर दिया, सिर्फ मैंने एयर मारा है क्योंकि पहले से ही ये क्लीन किया हुआ था, पेट्रोल के जरिए से ये वाश किया हुआ था। इस तरीके से फ्लूड पिन उसे सब चीज़ लगा कर आपको डायरेक्ट पेट्रोल का पाइप लगा के आपको थोड़ा सा पेट्रोल नीचे की ओर गिराना है, और भी कुछ अगर पेट्रोल पाइप में कचरा वगैरह हो तो ये निकल जाएगी। उसके बाद हम ढक्कन लगा कर हम इसका ओवरफ्लो चेक करते हैं ये ठीक हुआ या नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये ठीक हो चुका है और पेट्रोल ओवर नहीं हो रहा है। मैं कुछ देर तक इसको लगा कर रखा और पेट्रोल अभी तक ऑन है, कार्बोरेटर में पेट्रोल गिर रहा है लेकिन जो है बाहर की ओर नहीं निकलता है, यानी कि ओवरफ्लो की जो समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है, रुक चुका है पेट्रोल ओवर होना। तो कंप्लीट ये दोस्तों ये ठीक हो चुका है। मैंने इसके जरिए से हवा मारा, इधर उधर जो भी सुराख में कोई कचरा वगैरह था तो वो जो है सारे कचरा जो है वो निकल चुका है। तो अब ये ठीक हो चुकी है और वापस मैं इंजन में लगाता हूँ और आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हर इस तरह की समस्या का समाधान वो खुद से निकाल सकें। और मैं बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी भी जानकारी देता हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं यही इंजन ठीक करता हूँ, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन सारा काम होता है हमारे यहाँ। मैं डायरेक्ट इस पाइप के जरिए से निकालता हूँ कि पाइप में जो कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगी। अब इंजन स्टार्ट हो चुका है, इंजन स्टार्ट है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। एक प्रॉब्लम हुई दोस्तों कि मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे ख्याल से माइक का जो वायर है सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया और इसमें आवाज़ नहीं आ पाई।